फ्रेंड्स वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स आज हम हिस्टोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज का हमारे वीडियो का पहला क्वेश्चंस है, व्हाट व्हेन या फिर व्हेन्स इज नॉट यूज्ड टू ऑब्टेन अ वेनस ब्लड सैंपल। वेनस ब्लड सैंपल वो कौन सा वेन है जो ऑप्टेन या नहीं देते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वेसलिका वेन, बी सेफेलिक वेन, सी मेडियल क्यूबाइटल वैन एंड डी फिमोरल वैन वैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो है आंसर नंबर डी फिमोरल वैन के अलावा इन सभी से वेनस ब्लड कलेक्ट किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए ब्लड स्पेसिमन कलेक्ट इन अ हेपरिनाइज्ड ट्यूब इज सेंट्रीफ्यूज्ड, इट विल सेपरेट इन टू। ऑप्शन नंबर ए सीरम एंड क्लॉट, प्लाज्मा एंड क्लॉट, सीरम एंड प्लाज्मा बफिकॉट एंड आरबीसी, एंड करेक्ट आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, हिमोलाइसिस में रिजल्ट फ्रॉम, हिमोलाइसिस किसका कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए यूजिंग अ 25 गेज नीडल ऑन अ एडल्ट, बी वाइग्रो usually sacking the blood specimen, C refrigerating the vacutainer before use, and option number D leaving the tourniquets on for 3 minutes, and जो correct answer friends वो answer number है E all of the above। ये सभी कारण की वजह से hemolyzed हो जाता है। Next question number 4, the test procedure that use of वेस्टर्न ग्रैंड ट्यूब इज, वेस्टर्न ग्रैंड ट्यूब का इस्तेमाल किसके मेजरमेंट या प्रोसीजर जो होता है किसके लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जिसको शॉर्ट में ESR कहते हैं, हिमेटोक्रिट्स, रेटिकुलोसाइट्स काउंट या फिर माइक्रो हेमेटोक्रिट, एंड करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर ए इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लेटेक्स ग्लव्स प्रोटेक्ट द लैब एम्प्लॉई फ्रॉम। तो लेटेक्स जो ग्लव्स होता है वो किससे हमें सुरक्षा जो प्रदान करता है लैब एम्प्लॉई को, एक्सीडेंटल नीडल पंक्चर, माइक्रोटोम इंजरी पेशेंट्स, एरोसोल्स या फिर बॉडी फ्लूइड्स। तो फ्रेंड जो लेटेक्स ग्लव्स होता है वह बॉडी फ्लूइड्स के अलावा इन तीनों से सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर डी बॉडी फ्लूइड्स। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेटमेंट्स इज फॉल व्हेन सेटिंग अप एन ESR, कौन सा स्टेटमेंट्स इसमें से गलत है ESR के सेटिंग में। इट मस्ट बी रीड इन एग्जैक्टली 1 आवर्स, इट शुड बी सेट अप नियर अ सेंट्रीफ्यूज, द ब्लड लेवल मस्ट बी एट एग्जैक्टली 0 एंड इट शुड बी परफॉर्म्ड ऑन फ्रेश ब्लड। तो फ्रेंड्स इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है आंसर नंबर बी, इट शुड बी सेट अप नियर अ सेंट्रीफ्यूज। इसके अलावा ये तीनों जो है वो करेक्ट है, फ्लेड जो फ्रेश ब्लड का भी इस्तेमाल करना चाहिए और जो उसमें फिलअप करना है हमारा ब्लड को लेवल में 0 तक एग्जैक्टली करना चाहिए और इसका जो रीडिंग होगा नेट 1 घंटे में देखना चाहिए। तो ये सभी सही है सिवाय आंसर नंबर बी के। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द स्ट्रक्चर्स फाइबर एंड एनवायरमेंट डिस्क्राइब इन द प्रीवियस क्वेश्चन मोस्टली ऑकर्स इन। ऑप्शन नंबर ए लूज कनेक्टिव टिश्यूज, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज एंड कार्टिलेज, एंड जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो आंसर नंबर ए है लूज कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द डिफेंडिंग सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज द वन दैट फॉर्म्स एंटीबॉडीज एंड प्रोवाइड्स ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज द टी लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल, मास्ट सेल या फिर हिस्टियोसाइट्स, एंड नॉन ऑफ द एबव, एंड करेक्ट आंसर फ्रेंड्स नॉन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एंटीबॉडीज नॉन एज IgE इम्यूनोग्लोबुलिंस एप्सिलिन जिसको कहते हैं बिकम अटैच्ड टू दिस सेल सरफेस एज अ स्पेसिफिक रिसेप्टर विद इन द देयर प्रमोट्स द एलर्जिक रिस्पॉन्स, मेलानोसाइट्स, फाइब्रोसाइट्स, मास्ट सेल या फिर मैक्रोफेज, एंड करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर सी मास्ट सेल।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, द येलो कलरेशन समटाइम्स एसोसिएटेड विद एडल्ट फैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर न्यूमरस लिपिड ड्रॉपलेट्स, ट्रू या फिर फॉल्स? ये फॉल्स होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सीमेंट लाइंस आर रेगुलरली फॉर्म्ड इन कैंसेलस बोन, ऑस्टियोनल बोन, ट्रेबिकुलर बोन या फिर इमेच्योर बोन? तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑस्टियोनल बोन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द लेंथ ऑफ द लॉन्ग बोन इज प्राइमरली डाई इन द इंटर स्टाइटल ग्रोथ ऑफ द कार्टिलिए जियोनोस प्लेट. ये भी फॉल्स फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इन फॉलोइंग टिश्यूज विच वुड मोस्ट लाइकली हैव कोलेजन टाइप 2, बोन, फाइब्रोकार्टिलेज, डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू या फिर हायलिन कार्टिलेज? एंड करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर डी हायलिन कार्टिलेज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हायलिन कार्टिलेज? हायलिन कार्टिलेज का फंक्शन क्या है? तो ऑप्शन है फ्रेंड्स आंसर नंबर डी, टू प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट्स ऑर्गन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यूज? टू प्रोटेक्ट द सपोर्ट एंड द बॉडी एंड असिस्ट इन मोशन, टू स्टोर लिपिड एंड कुशिन ऑर्गन, टू ट्रांसपोर्ट अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस एंड टू प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट ऑर्गन. एंड करेक्ट आंसर जो है वह आंसर नंबर बी, टू स्टोर लिपिड एंड कुशिन ऑर्गन. तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे. जय हिंद.